आज आपको मैं सबसे पहले फार्मूलाज क्लियर कराता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपके फार्मूलाज क्लियर होंगे तभी आपको बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन समझने में। देखो, जैसा कि आप सब जानते हो, स्मॉल फ्रेंड्स में हमने दो नंबर्स को ऐड करके 5 को बनाना होता है, ठीक है। और स्मॉल फ्रेंड के जो कॉम्बिनेशन आते हैं उस हिसाब से 4 का स्मॉल फ्रेंड होता है 1, क्योंकि दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 का फ्रेंड आएगा 2, दोनों नंबरों को ऐड करके 5 बन रहा है। 2 का फ्रेंड आ रहा है 3, दोनों नंबरों को ऐड करके 5 बन रहा है। और 1 का फ्रेंड आ रहा है 4, दोनों नंबर्स को ऐड करके 5 बन रहा है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिनको ऐड करके 5 बनाया जा सके। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बोल दी आपको। अच्छा, उस तरह से अगर आप कोई सम कर रहे हो, बीच में प्लस 1 आता है और आपके पास बाकस पे प्लस 1 का बीड नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे 1 का फ्रेंड क्या है। 1 का फ्रेंड होता है 4। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा प्लस 1 आपने करना है। आप इधर उसका फ्रेंड लिखोगे 4। अगर आपने प्लस करना है तो इधर माइनस आएगा, माइनस 4 डाउन होता है। और इन दोनों का स्मॉल फ्रेंड में कॉमन फ्रेंड क्या है? 5 डाउन। ये प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से अगर आपने सपोज माइनस 1 करना है और आपके पास बीड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? पहले तो आप 1 का फ्रेंड लिखोगे, 1 का फ्रेंड आ गया फिर से 4। आपने माइनस करना है, इधर माइनस का है सम में, तो आपने इधर प्लस लगा देना। प्लस के लिए 4 बीड्स अप करने पड़ते हैं, 4 अप। इन दोनों का फ्रेंड क्या, स्मॉल फ्रेंड की वैल्यू क्या होती है? 5 अप। ये इस तरह से आपका प्लस 1 का फार्मूला बन गया। फार्मूलाज लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ समझने से ही बन जाते हैं। उसी तरह से अगर आपने प्लस 2 का फार्मूला लिखना है, तो प्लस 2 का फ्रेंड आपने 2 का फ्रेंड लिखना है 3, प्लस करना है तो 3 डाउन 5 डाउन, प्लस 3 है, फिर आपने फार्मूला लिखा 2 डाउन 5 डाउन, प्लस 4 का 1 डाउन 5 डाउन। उसी तरह से अब माइनस है तो माइनस में प्लस करना है, माइनस 1 का 4 अप 5 अप, माइनस 2 का 3 अप 5 अप, माइनस 3 का 2 अप 5 अप, माइनस 4 का 1 अप 5 अप। ये बाकस में ये आपके स्मॉल फ्रेंड्स हैं, ये आपके ये जो स्टार्टिंग के फार्मूलाज हैं फर्स्ट बुक में वो यही है। इसके बाद आ गया सेकंड फार्मूला है बिग फ्रेंड। देखो, ये बाकस खाली 3 फार्मूलाज के ऊपर बेस है, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड और मिक्स कॉम्प्लीमेंट। आपको स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड और मिक्स कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया तो आपका सारे का सारा ये बाकस आपको आ गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। बिग फ्रेंड में आपने दो नंबर्स को ऐड करके 10 बनाना होता है, तो उसमें 10 बनाने की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 1 का फ्रेंड आ गया 9, दोनों को ऐड करोगे 10 बन रहा है। 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5। यही नंबर्स हैं, यही पॉसिबिलिटीज हैं जिनको ऐड करके हम 10 बना सकते हैं। अगर कोई सम है उसमें आपका लग रहा है कि आपको स्मॉल फ्रेंड यूज नहीं हो रहा, तो आप फिर भी उसमें बिग फ्रेंड को इस्तेमाल करोगे। कैसे? बिग फ्रेंड में आपने अगर आपका कोई सपोज प्लस 1 वहां पे नहीं यूज हो रहा है स्मॉल फ्रेंड का फार्मूला, फिर आप उसमें बिग फ्रेंड का फार्मूला लगाओगे। बिग फ्रेंड में प्लस 1 का फ्रेंड आता है, 1 का फ्रेंड 9, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें फिर वही है कि 9 डाउन, प्लस 1 करना तो 9 डाउन, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ये अलग रहता है ना, पहला नंबर डाउन जाएगा तो, लेकिन जो इसका फ्रेंड है 10, जो इनका कॉम्बिनेशन में प्लस करके 10 आता है, वो अप जाएगा। पहला नंबर अप जाएगा तो 10 डाउन जाएगा। इसमें 10 बड़ा फ्रेंड है तो वो इनकी बात नहीं मानता छोटे की, वो या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है। अगर ये पहले वाला नीचे जाएगा तो बड़ा भाई ऊपर चला जाता है, और अगर पहले वाला ऊपर जाएगा तो बड़ा भाई नीचे आ जाता है, क्योंकि वो उसकी बात कहता है मैं बड़ा हूं। उस तरह से देखो बच्चों, अगर आपने प्लस 1 करना है तो फिर आपका आएगा फार्मूला क्या बना, 1 का क्या फ्रेंड है बिग में? 9। क्या बन गया? 9 डाउन और 10 बात नहीं मान रहा अप। प्लस 2 करना है तो 8 डाउन 10 अप। 3 करना है तो 3 का फ्रेंड 7, 7 डाउन 10 अप। प्लस 4 करना है तो 6 डाउन 10 अप। 5 करना है तो 5 को आपको पता ही है माइनस करने के लिए अप करना पड़ता है, 5 अप 10 अप, इसमें सेम रहेगा। 6 करना है तो 4 डाउन 10 अप, 7 है 3 डाउन 10 अप, 8 करना है तो 2 डाउन 10 अप, 9 करना है तो 1 डाउन 10 अप। ये तो आ गया प्लस में। अगर आपने माइनस करना है तो, अब माइनस 1 करना है फिर आपने बिग फ्रेंड देखना 1 का क्या है 9। अब इधर माइनस है तो 9 अप जाएगा, 9 अप गया तो फिर बड़ा भाई बड़ा फ्रेंड उसकी बात नहीं मानता, वो कह रहा तू ऊपर जा रहा मैं नीचे जा रहा, वो फिर डाउन आना शुरू हो जाता है। 9 अप 10 डाउन, माइनस 2 का 8 अप 10 डाउन, माइनस 3 का 7 अप 10 डाउन, माइनस 4 का 6 अप 10 डाउन, माइनस 5 का
माइनस फाइव में फाइव को प्लस करने के लिए डाउन करना पड़ता है, आप जानते हो फाइव डाउन टेन डाउन, इस फाइव में पॉसिबिलिटी सेम रहेगी। माइनस सिक्स का फोर अप टेन डाउन, माइनस सेवन का थ्री अप टेन डाउन, माइनस एट का टू अप टेन डाउन, माइनस नाइन का वन अप टेन डाउन। क्लियर है आपको स्मॉल और बिग फ्रेंड? देखो कोई भी ये बाकस का है उसमें या सबसे पहले स्मॉल फ्रेंड यूज होगा, आपने यूज करना। अगर बाई चांस स्मॉल फ्रेंड वहां पे नहीं लग रहा है फिर आपने बिग फ्रेंड यूज करना, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है। अगर ना वहां पे स्मॉल फ्रेंड यूज हो रहा है ना वहां पे बिग फ्रेंड यूज हो रहा है, फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास मिक्स कॉम्प्लीमेंट, जो स्मॉल और बिग को ज्वाइन करके फार्मूला बनाया गया है मिक्स कॉम्प्लीमेंट, फिर आपने उसको यूज करना है। मिक्स कॉम्प्लीमेंट्स के पहले कॉम्बिनेशन है, इसमें जो मिक्स कॉम्प्लीमेंट है ये पांच से ऊपर नंबर्स के लिए ही यूज होगा। पहले इसके आगे कॉम्बिनेशन होते हैं, और आपने सिक्स करना है तो सिक्स का कॉम्बिनेशन आगे फाइव एंड वन। फाइव वन कैसे आया? एक नंबर फाइव तो आएगा ही आएगा, दूसरा नंबर वो जो फाइव में हम ऐड करेंगे ताकि सिक्स बने, वो आ गया वन। सेवन का कॉम्बिनेशन क्या बना? एक फाइव एंड टू, एट का फाइव एंड थ्री, नाइन का फाइव एंड फोर। आपको कॉम्बिनेशन मिक्स के लिए आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, बस सिक्स का फाइव एंड वन, सेवन का फाइव एंड टू, एट का फाइव एंड थ्री, नाइन का फाइव एंड फोर। अब मिक्स कॉम्प्लीमेंट में मिक्स फार्मूला कैसे चलेगा? आपका कोई सम है ना वहां पे स्मॉल फ्रेंड यूज हो रहा है ना बिग फ्रेंड यूज हो रहा है, फिर वहां पे मिक्स कॉम्प्लीमेंट यूज करोगे। सपोज आपने प्लस सिक्स करना है तो क्या फार्मूला बना? मैं उसका पहले कॉम्बिनेशन लिखोगे, क्या कॉम्बिनेशन उसका? वन एंड फाइव, वन एंड फाइव आपने कॉम्बिनेशन में लिख लिया। प्लस सिक्स करना है तो वन अप फाइव अप, और इन दोनों में जो कॉमन नंबर आता है टेन, टेन अप, प्लस में तीनों नंबर्स अप जाएंगे। फिर प्लस सेवन लिखना है तो फिर क्या आ गया? मिक्स कॉम्प्लीमेंट का वो फार्मूला हम कैसे करते हैं, उसमें दोनों फार्मूलाज को हम ज्वाइन करते हैं स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड को। पहले इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन मेमोराइज करने पड़ेंगे। सिक्स में एक नंबर तो फाइव आएगा, दूसरा कौन सा नंबर आएगा कि दोनों को ऐड करके सिक्स बन जाए? फाइव एंड वन, दोनों को प्लस करोगे तो सिक्स बनेगा। उसी तरह से सेवन में एक नंबर तो फाइव आएगा, सेकंड नंबर कौन सा आएगा? टू। एट में एक नंबर फाइव आया, सेकंड नंबर कौन सा आएगा? थ्री। नाइन में एक नंबर फाइव आया, सेकंड नंबर कौन सा आएगा? फोर। ये मिक्स के कॉम्बिनेशन हैं। अगर जहां पे आपका स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड नहीं यूज होगा वहां पे आपका इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट, मिक्स कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला, थर्ड फार्मूला यूज होगा, उसके आपको पहले ये कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए। देखो आप मिक्स कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला कैसे बनता है, आपने किसी नंबर को प्लस सिक्स करना है, आपके पास बीड्स नहीं है ना वहां पे स्मॉल फ्रेंड यूज हो रहा है ना वहां पे बिग फ्रेंड यूज हो रहा है, आपने एक तो उसका कॉम्बिनेशन लिख लिया, एक तो वन आ गया और एक फाइव आ गया, और तीसरा नंबर टेन आ गया, टेन तो हर एक में आएगा, प्लस करना है तो वन अप फाइव अप टेन अप। उसी तरह से सेवन के कॉम्बिनेशन लिखे टू एंड फाइव, थर्ड नंबर टेन, प्लस है तो तीनों को अप करना है। एट का थ्री फाइव टेन, तीनों को अप कर दिया, प्लस नाइन का फोर फाइव टेन लिखा, नाइन के कॉम्बिनेशन लिखे फोर एंड फाइव फिर टेन, तीनों को अप कर दिया। उसी तरह से अगर आपने माइनस करना है तो फिर आपने वही सिक्स के कॉम्बिनेशन लिखने वन एंड फाइव, और माइनस है तो वन डाउन फाइव डाउन टेन डाउन, ये इसका फॉर्मूला बन गया। माइनस सेवन का टू डाउन फाइव डाउन टेन डाउन, माइनस एट का थ्री डाउन फाइव डाउन टेन डाउन, माइनस नाइन का फोर डाउन फाइव डाउन टेन डाउन। फिर से एक बार मैं आपको रिफ्रेश करवा दूं सारा। स्मॉल फ्रेंड में फाइव बनाया जाता है, बिग फ्रेंड में टेन बनाया जाता है, मिक्स कॉम्प्लीमेंट में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। स्मॉल फ्रेंड्स में फोर का फ्रेंड आता है वन, दोनों को ऐड करके फाइव आ रहा है, थ्री का टू, टू का थ्री, वन का फोर। बिग फ्रेंड में आपने टेन बनाना है, वन का फ्रेंड आ गया नाइन, टू का एट, थ्री का सेवन, फोर का सिक्स, फाइव का फाइव। मिक्स कॉम्प्लीमेंट में कॉम्बिनेशन हैं, सिक्स का कॉम्बिनेशन एक नंबर तो फाइव आएगा ही आएगा, सेकंड नंबर आ गया वन, सेवन में एक फाइव आया, सेकंड टू आया, क्योंकि दोनों को प्लस करके यही नंबर बनाना है। एट का फाइव एंड थ्री, नाइन का फाइव एंड फोर। स्मॉल फ्रेंड में अगर आपने प्लस वन करना है तो जो उसका फ्रेंड है फोर वो डाउन जाएगा, उसके साथ जो उनका स्मॉल फ्रेंड में जो हम ऐड करके नंबर बनाते हैं फाइव वो भी डाउन जाएगा। अगर माइनस वन करना है तो यहाँ पे फोर अप जाएगा, तो उसका जो कॉम्बिनेशन स्मॉल फ्रेंड का जो है वैल्यू फाइव वो भी अप जाएगी। बिग फ्रेंड में थोड़ा सा चेंज ट्विस्ट आ जाता है, अपने प्लस वन करना, उसका फ्रेंड लिखा नाइन, नाइन डाउन जाएगा तो टेन बिग फ्रेंड अप जाएगा, और अगर आपने माइनस वन लिखा
माइनस वन करना है तो उसमें नाइन पहला नंबर अप जाएगा, इधर माइनस हो तो इधर प्लस कर देना, छोटी सी बात है, इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देना, बस यही चीज याद रखनी है। स्मॉल फ्रेंड में इधर प्लस था माइनस किया, उसमें फोर को डाउन किया तो स्मॉल फ्रेंड में दोनों नंबर डाउन जाएंगे। बिग फ्रेंड में पहला नंबर अगर डाउन जाएगा तो दूसरा नंबर अप जाएगा, पहला अप जाएगा तो दूसरा डाउन जाएगा। टेन हर एक में आ रहा है बिग फ्रेंड में, और उसके बाद मिक्स कॉम्प्लीमेंट में कॉम्बिनेशन लिखना है, सिक्स का वन एंड फाइव बना है और थर्ड नंबर टेन है, अगर प्लस करना है तो तीनों को अप करना है, माइनस आया तो तीनों को डाउन कर देना, बस यही है बाकी के तीन फार्मूलाज हैं। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना, सारे सम्स आपके इसी इन्हीं की फार्मूलाज की मदद से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एबाकस के साथ सम्स कैसे किए जाते हैं, किसी बच्चे को अगर कोई मुश्किल है तो वो उन सम्स को उस तरीके से सॉल्व करता चले। और जो बच्चे जिस लेवल पे अभी हैं, जिन्होंने वो पेज किए हैं, वो एक रूटीन बना लें कि डेली के टू टू पेजेस आगे के करते चलें, और जिस बच्चे की कोई बुक खत्म होती जाती है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करे और मुझसे अगली बुक लेता चले, ताकि उसका कोर्स रुके नहीं और वो अपना कोर्स कंटिन्यू रखे। और उसी तरह से इसके बाद मैं आप लोगों को अगला वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको मैं सम सॉल्व करके बताऊंगा।